ये देखो ये आ रहा है, रिमोट की सेंट्रल लॉकिंग फंक्शन, ये सब चेंज करना पड़ेगा मुझे बैटरी, वरना ये चालू नहीं होगी। बाइक की बैटरी नहीं है। आज तीन काम है, शोभित की बहन की शादी के लिए मुझे मेरे लिए कपड़े लेने हैं, सेम डीएनजीसी से मैंने अपनी शादी के कपड़े लिए थे, विच इज इन दादर, बॉडी Q7 का ब्रेक पैड जो घस गया है, वो ऑर्डर करने के पहले एक बंदा आके पहले चेक करेगा कि कितना बाकी है, बिकॉज कभी कभी सेंसर जल्दी दिखा देता है कि अभी ब्रेक पैड घस गया है, इवन दो 20-30% बचा रहता है, जस्ट टू बी श्योर। क्योंकि आज संडे है, मेरा फ्रेंड आनंद को आज ही टाइम मिलता है BMW का जो पार्ट्स मैंने इतने महीनों से मांगे रखा, हाँ अभी भी आ रहा है, वो आज फिट करने के लिए। तीनों काम एक साथ आ गए, अभी कैसे इसको ऑर्गेनाइज करूंगा, लेट्स सी। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जब से शादी होकर आया हूँ, इनफैक्ट बिफोर द, जब मैं गोवा गया तब से हमारी वन ऑन वन जो गुफ्तगू बातें होती थी वो हो नहीं पा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि होंगी नहीं होंगी, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ, आई जस्ट लव टॉकिंग टू द कैमरा टू यू गाइस, ये बेस्ट है यार। मतलब सॉरी, चौथा काम बोलना तो भूल ही गया, BMW का जो टायर का पंचर हुआ था जब मैं अपनी हिमाचल राइड पे गया था, जब मैंने चाइनीज को प्रपोज किया था, वो टाइम एक छोटा सा पंचर हुआ था, ऑल दो जुनेद ने पंचर फिक्स तो किया था, लेकिन हल्की हल्की हवा उसमें से निकलती रहती थी, रीजन बींग उसका अगर आप एक हफ्ते बाद टायर चेक करो तो 3-4 PSI ड्रॉप रहता था, उसको भी जो मुझे है परमानेंटली फिक्स करना है, आई कैंट जस्ट लिव विद अ पंचर ऑन माई बाइक राइड। अगर मुझे अभी राइड पर जाना है, अगर जाऊँगा शायद, पता नहीं, तो मुझे पंचर चाहिए कि वो ठीक हो जाए। और चाइनीज आज बना रही, क्या बना रही तू? पैनकेक्स। क्या बात है, वेरी नाइस। प्रोटीन पैनकेक बनेगा कैसे? दिशा ने रेसिपी शेयर की थी, लेकिन तो आज नॉर्मली बना, आज नहीं, बाद में, इसका प्रोसेस लंबा है। तो आज शानिस ने एक्सपेरिमेंट किया है पैनकेक और वॉफल्स बना के। कल रात को वर्कआउट करके सोया था, उठते रात मेरा प्रोटीन शेक पीने का प्लान था, मैंने प्रोटीन वॉफल्स बना, बट उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, बट थैंक यू शानिस, तूने बहुत ही टेस्टी बनाया, अभी तक खाया नहीं है। टेस्टी नहीं बनाया, कैसे पता चला टेस्टी है? खाके देख, देख के लगता है, पहले आदमी आंखों से खाता है, नियत से खाता है, और फिर आंखों से यम्मी, अभी मुंह में देखो यम्मी है कि नहीं। अच्छा है, मैंने कहा जो मैं खाते हैं ना उससे ये 80% ऐसे ही टेस्ट करा, फर्स्ट टाइम के लिए 80% नॉट बैड, आई थिंक इट्स द बेटर। ये आ गया अपना सामान, और आनंद भाई भी इधर है, आनंद भाई ज्यादा सामान नहीं है, फटफट हो जाएगा भाई सारे पार्ट्स एक तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये जो लाइट आपको दिख रही है ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा, तो जो क्लियर वाटर नीचे लगी हुई है इसका जो थ्रो आता है वो मोस्टली ना इस पे आता है, मतलब बाहर नहीं आता, बिकॉज इट्स अ स्प्रेड, तो वो इधर आती थी, अब इधर मैंने डाल दी ये वाली फोकस लाइट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझको चाहिए थी ये ऊपर है, ऊपर का कोई जगह नहीं था, तो ये ऑर्डर करना पड़ा, जिसको आते आते 6 महीने लग गए, और अभी हम फिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों लाइट आजू बाजू रहेगी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी। लाइट्स लग चुकी है, लेकिन अभी हमको निकलना है, बिकॉज उसको लगते लगते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, एंड मैं शूट भी नहीं कर पाया, बिकॉज कैमरा रखे गया था, और मुझे खुद को पकड़ना था, उस चक्कर में मैं आपको रात में बताऊंगा लाइट अभी। जस्ट चेकिंग, मुझे वेन्यू को लेके 1.5 साल के ऊपर हो गया, और अब तक टोटल किलोमीटर चली है 10,386 किलोमीटर, और मेरी ऑडी जब से मैंने ली है उसको मैंने 9,000+ 9,000 something किलोमीटर मैंने चला लिया है, क्योंकि वो बस लंबा निकली है। मेरी BMW भी 11,000 किलोमीटर चली है, मुझे लगा था BMW के ब्रेक पैड्स घस जाएंगे, बिकॉज यूजुअली BMW GSA के ब्रेक पैड जो है वो 3,500-4,000 किलोमीटर में घस जाते हैं, बिकॉज वो लोग हार्ड ब्रेकिंग बहुत करते हैं, लेकिन बिकॉज मेरी वो बाइक हाईवे पर चली और मैं हार्ड ब्रेकिंग नहीं करता, सरप्राइजिंगली उसका भी जो ब्रेक पैड्स है वो अभी भी 30-40% अवेलेबल है, मतलब उसका ब्रेक पैड चेंज करने की जरूरत नहीं है। शायद ऑडी का भी ब्रेक पैड्स नहीं घसा होगा, क्योंकि याद है जब मैंने एलॉय में पेंट किया था तब खुद 60% अवेलेबल था, तो सिर्फ 3,000-5,000 किलोमीटर में बाकी का ब्रेक पैड कैसे कर सकता है? तो लोग बोलते हैं पहले ABS सेंसर जाता है, ऐसा उन लोग का पार्ट है, उसके बाद वो बोलता है कि भाई ब्रेक पैड चेंज करो, तो लोग आगे चेक करेंगे, अगर सिर्फ ABS सेंसर गया होगा तो लोग कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, फिर लोग मुझे बोलेंगे कि भाई आपके पास इतना 5,000 किलोमीटर है उतना चलाओ और बाद में अपना ब्रेक पैड चेंज कर दो, तो ऐसा कुछ सीन लग रहा है। इफ इट साउंड्स कन्फ्यूजिंग आई एम रियली सॉरी, बट ये मुझे बोला गया, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो लेट हो गया इसके लिए मैं जल्दबाजी में निकला हूँ मैं, क्योंकि शानिस को घर पे छोड़ के गया था अकेले। शानिस लाइक कहाँ है तूने, 5 मिनट बोला, 10 मिनट बोला, मैंने भाई टाइम लगता है। एक ही बार फोन किया मैंने, 25 मिनट्स हो गया, 5 मिनट बाद, तो तब टेंशन में फोन किया, तभी मैं घाई गए और इसके लिए घाई गए मैंने बैठा और जो है ब्लॉग किया। वो आनंद बोलता है अभी वाइफ हो गई ना, अभी ऐसा ही होता है, बोला नहीं भाई वाइफ की बात नहीं है, पहले मुझे मलाड जाना पड़ता था, कहा निकल, यू सेड यू विल रीच बाय 5:30, यू नॉट इवन लेफ्ट पावर, बोला अभी तो सिर्फ मुझे बाजू में ही जाने का, तो उतना नहीं, चलता है। डर गई तो 25 मिनट में क्यों आ रहा है? जस्ट टू कंफर्म, वो ऑडी का ABS सेंसर जाना मतलब नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेक पैड्स गेसिंग घसाओ, जब घसता है तब ABS सेंसर जाता है और वो वार्निंग देता है कि भाई आपका ब्रेक पैड चेंज का टाइम आ गया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, छोड़ो यार, बड़ा कंफ्यूज है यार। गाड़ी पार्क कर दूंगा फिर दरवाजा नहीं खुलेगा, इसको कुचल जाती, मैं अपनी बीवी को कुचल देता अभी अपनी गाड़ी से। अरे यार रिवर्स ही निकाला, फेवरेट
तो शादी के कपड़े तो बहुत अच्छे हो गए थे, एंड में थोड़े लूज हो गए थे बिकॉज बॉडी थोड़ी छोटी हो गई थी। तो इस बार टेंशन नहीं, इस बार अपनी शादी नहीं है, अपने दोस्त की शादी है, बहन की शादी है ना। हाँ तो ये अभी दिखाने में भी टेंशन नहीं ना, हो गया अभी। आपने देखा था जो हमारी चर्च वेडिंग थी, क्रिश्चियन वेडिंग में, उसमें हमको वाउज लेने पड़ते हैं और बोलते हैं वाउज वही बोलो जो लिखा है। अभी हमें उनको समझाने की एग्जैक्टली वो क्यों बोलना है। आई टेक यू निखिल शर्मा, देखो जरा कैसा है। क्या है मतलब यार, मेरा पढ़ाओ, रटाओ मत मुझको यार, मैं फीलिंग से बोलता हूँ। इन सिकनेस एंड इन, कौन सा रोमन इंग्लिश, कितनी बार ये आई निखिल शर्मा टेक यू, हां कितनी बार रिवीजन किया था इसने। अरे रिवीजन क्या, वैसे चल रहा था ना, मेरे को याद है रट्टू पोपट बन गया था उस दिन में। वो तो जिंदगी में कभी रोड़ा टन नहीं पाया था, आपको समझता है रट नहीं सकते। डाल दो इंस्टाग्राम में, तो अभी डालता हूं, डाल दो फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी डालता हूं। कपड़े तो फाइनल हो गए, लेकिन यहां पर मुझे लगा एक बहुत बड़ा शॉक। मेरे कपड़े तो ठीक है, फोल्ड वोल्ड करके आ जाएंगे, लेकिन शारिस के जो कपड़े जो मेरी मम्मी ने उसको गिफ्ट किया अभी शोभित की बहन की शादी में पहनने के लिए, उसको पैनियर में फिट करना, हमारे बाकी के कपड़े फिट करना, वो कैसे होंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अभी सब बोल रहे भाई गाड़ी लेके जाओ, मैंने गाड़ी लेके जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं है गाड़ी चलाने का। अभी शारिस गई चर्च मास्क के लिए, उसका कैमरा मेरे पास जैसी आएगी उसको देता हूँ। ये देखो गई थी मास्क के लिए लेके ऐसा भाई फ्राइड आइटम, बोलती है अभी बहुत एक्टिव हो गई हो तो मुझे टेंशन नहीं है वजन पुट ऑन करने का, मतलब ठीक है भाई ले ले, अब ऐसी सब चीज़ घर पे आएगी तो हम भी खाएंगे ना। हम खाएंगे अभी पनीर भुर्जी, पनीर भुर्जी रोल, भुर्जी नहीं है तो पनीर, एनीथिंग हेल्दी, सब्जी हेल्दी, हेल्दी प्रोटीन। चाइनीज मैडम के हाथ में क्या है, गलत आइटम है। पर शानिस को एक बात बोलो, शानिस इज लुकिंग क्वाइट फिट नाउ डेज, बोलती है मैं काफी एक्टिविटी करती घूमती रहती घर पे, तो उसके से या माय जी गाइस फॉलो वेरी लूज लुकिंग वेरी गुड नाउ डेज इन द कैमरा। पहले बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत खूबसूरत दिखती थी, बट अभी देख एकदम डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है। शादी के पहले डीएन जिसने कपड़े लिए थे, यहाँ पर आके हम लोग पनीर रोल खा रहे थे, एकदम टेंशन में था कैसे होगा क्या होगा, और अभी फास्ट फॉरवर्ड शादी के बाद एकदम टेंशन फ्री, कोई टेंशन लिया नहीं मैंने, और पारुल ने टेंशन लिया था क्या, मैं टेंशन नहीं लिया, जस्ट बिकॉज मेरा टेंशन दिखा नहीं मतलब मैंने लिया नहीं। टेंशन किस चीज के लिए लिया था, हर चीज के लिए, किस चीज, नाउ यू टेल मी, शादी का टेंशन हमने कुछ किया नहीं है ऐसा वो बोल, ऐसा नहीं है पर निखिल ने तो नहीं किया, ही वाज ओनली फोकसिंग लाइक दूसरा सब। थैंक यू सोलोमन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस, वेलकम सर। ये लाइट मार के दिखेगा, लाइट मारो, तो इसको बोलते हैं शैडो स्केच। अभी विराज भाई लाइट मारेंगे, मारो लाइट इस पे, मारो इसको पकड़ो, और ये देखो इस पे मेरा नहीं, ये थोड़ा ये देखो स्केच दिख रहा है, पास से दूर से देखो, पूरा लाइट यहां पर कम है, अंधेरे में बेटर दिखेगा, तो अंधेरे में दिखाएंगे आपको बाद में, आपको मारना नहीं आता यार। अंधेरे में बहुत क्यूट दिखती है गाड़ी यार, ये कलर की वजह से ना अलग लगता है, उठ के आता है ये कलर, बहुत प्यारा लगता है। कैमरा विद विराज मोदी, खुद भूल जाती है, एक्चुअली मेरे पास था मैंने दिया, तो पैर में अलग लग रहा था और अभी अलग लग रहा है अभी कौन। तो अभी जाना था रशीद भाई के पास टाउन, लेकिन अभी हम बांद्रा जा रहे हैं। रशीद भाई ने बोला भाई मैं ट्रेन पकड़ के आऊंगा, बांद्रा स्टेशन में उतरूंगा, और गोप्रो का सुपर वाइड एंगल लेंस और जो मेरा लेंस था जो दूसरा इसके पहले यूज करता था मैं, रशीद भाई को बोला भाई मत बेचो, अभी शारिस आ गई है, शारिस मैडम यूज करेगी वाइड एंगल लेंस फॉर व्लॉगिंग। तो अभी हमको विराज भाई की जो गाड़ी उधर जा रही है उसको फॉलो करना है, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, वो पहनना है। रिमेंबर किधर, एले बेवली हिल्स में हम लोग वॉक कर रहे थे, ऐसे सिमिलर कैफे दिखा था, डिटो सेम, और चलो यहां बैठ के आज कॉफी मारते हैं। 5 दिन घर पे खाया तो भूल गया कॉफी शॉप, 5 दिन से मेरी बीवी बना रही थी, मैं आज बाहर खाते हैं मेरी बीवी, हमने 11,000 रुपए सेव किए हफ्ते। और ये जो लेंस है जो मैंने बेचने के लिए दिया था रशीद भाई से, ये वापस आ चुका है, बिकॉज अभी ये शानिस जो है अपना व्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करेगी। इसकी किस्मत में था ही नहीं किसी के पास जाना, मेरे पास ही रहना था। और ये एक और चीज आ गई अपने पास जो अपन GoPro Hero 9 में डालेंगे, ये और वाइड कर देगा, दिस इज गोना बी गुड फॉर फोटोग्राफी, नो राइट, नो नो व्लॉगिंग, व्लॉगिंग ट्रैवलिंग, इफ यू वांट टू टेक अ वाइड एंगल सेल्फी शॉट और एवरीथिंग, फोटोग्राफी इफ यू कैन बी क्रिएटिव देन व्हाई नॉट। हवाई से गए दादा, दादा से जाना था टाउन, लेकिन टाउन नहीं गए, टाउन जाके हम लोग आए बांद्रा, बांद्रा में एक मीटिंग लिफ्ट आई, वो किस सिलसिले में मीटिंग थी आपको कल के ब्लॉग में मालूम पड़ेगा, शायद परसों के ब्लॉग में, आई डोंट नो। थैंक गॉड कि रशीद भाई बांद्रा आके मुझे लेंस दे दिया, बिकॉज लेंस का बहुत ज़्यादा काम है। और अभी जब हम लोग वापस जा रहे थे पवई, मैडम को हमारी बेगम साहिबा को याद आया कि नेचर बास्केट से कुछ लेना है, तो मैं नेचर बास्केट के बाहर जो है वो खड़ा हूँ, और हमारी बेगम साहिबा गई हैं कुछ सामान लाने के लिए। मुझे पता नहीं आपका क्या सीन, लेकिन मुझको जब भी ऐसा खड़ा रहता हूँ तो टाइम पास करने के लिए मुझे वाइपर यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, पानी लेते साफ होता है, लेकिन मेरे जो वाइपर का पानी जो है एज यू कैन सी वो ख़त्म हो गया है, और ये और ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मेरे को फटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेंसर काफ़ी काम आता है, कि जब जैसे कि वाइपर फ्लूड लेवल लो होता है तो पता फ्लूड लेवल लो है, फ्लूड भरो, सब ले लिया। यस चले, तो कल कुछ बनेगा अच्छा? हाँ बहुत अच्छा। अरे वाह, आई बॉट अस अ फर्मेंटेड गम्बुचा टी आल्सो। मम्मी ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तुम खाना दे दो मुझे,
मेरी मम्मी जब भी बाहर से आओ मम्मी बोलती है तुम बाहर से खाना खा के तो आयोगे, अभी तुमको नहीं बताऊ मम्मी मैं वो टाइम अच्छा था जब तुमको छुपाता था मैं, अभी तुमको दिखाता हूँ वो दिन अच्छे थे जब मम्मी का फेस छुपाता था मम्मी को थोड़ा बहुत बोलता था जस्ट जोकिंग। अच्छा आप लोगों को भी मजा था मेरी मम्मी को भी मजा। अभी देखो ये चार्जर मैंने ऑर्डर किया था दो दो इसमें टाइप सी है, मैकबुक भी चार्ज होता है, आईफोन चार्ज होता है, बहुत सब जरूरी रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं मैकबुक चार्जर गुम गया, हालांकि मेरे पास है तो उससे अपन चार्ज कर सकते हैं, बट फिर भी फॉर सेफ्टी ये दो आ गया अपना, बिकॉज हम दोनों का मैकबुक प्रो है, ज़्यादा पावर लगता है। कैसी लग रही शानिस बाइक? बहुत अच्छी लग रही है, पर अलग लग रही है। अलग तुझे इसलिए लग रही है बिकॉज शानिस बहुत रेयरली बाइक को विदाउट पैनीज देख रही है, तो पैनीज नहीं है तो तो ये दिख रहा है तेरे को, ये तूने शानिस कभी देखा नहीं था। और एक चीज़ जो आज चेंज किया हमने, तो बेसिकली जो क्लियर की लाइट थी वो नीचे थी, यहाँ पर थी, तो ये यहाँ से हमने चेंज करके इसको डाली है यहाँ पे, क्योंकि ये स्पॉट लाइट है, मतलब ये स्पॉट करेगी और ये स्प्रेड है, तो जब ये यहाँ पर थी तो होता क्या इतना स्प्रेड होता था कि यहाँ पर आती थी, जो कि अब लाइट की 50% कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ से स्प्रेड होगी तो ये स्पॉट करेगी, स्प्रेड करेगी तो पूरा जो बहुत बड़ा एरिया है वो कवर होगा और नाइट राइडिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लेकिन ऑब्वियसली सामने जो आएगा उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं लाइट को हमेशा 10-20% में यूज़ करूँगा, अनलेस रेंटल सामने से कोई नहीं आ रहा और मैं हाईवे पे हूँ। अभी मैं करूँगा बाइक को चालू करूँगा और चेक करूँगा। ये देखो ये आ रहा है, लिमिटेड सेंट्रल लॉकिंग फंक्शन, ये सब चेंज करना पड़ेगा मुझे बैटरी, वरना ये चालू नहीं होगी। बाइक की बैटरी नहीं है, की बैटरी है, अभी वहाँ पर देखना। ये देखो कितना चेंज हो गया, ये हो गया ये, सो नाइस। दिस इज अ नॉर्मल BMW लाइट, दिस इज अ क्लियर वाटर एंड दिस इज दिस, एज यू कैन सी अभी राइट कर, दिस इज द ब्राइटेस्ट, तो मतलब अभी हाईवे पे जब चलेगी ना दूर दूर तक क्लियर सब कुछ दिखेगा, अब देख सकते हो फिर कितना अच्छा हो गया। अभी सोच रहा था सामने से कैसी लगेगी, आई प्रिटेंड टू बी अ ड्राइवर, ओ माय गॉड कि शक्तिमान की तेज मुझे मार मार रही है, अंधेरा कायम रहे। अभी देखो भाई ऑडी जो है वो चली गई है उसके ब्रेक पैड्स चेंज होने के लिए, बिकॉज इस तरह लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बोलते हैं कि ब्रेक पैड्स दिख रहा है लेकिन शायद ये भी सेंसर क्या रहेगा, सो वी हैव टू टेक द कार, द कार इज गॉन, होपफुली द कार विल कम टुमारो, बिकॉज कल हम लोग को किसी भी हाल में लेट इवनिंग तक निकलना है। और शानिस मैडम बोलती है उसको घर से कुछ लेके भी आना, बिकॉज शानिस ने शोभित की बहन के लिए गिफ्ट लिया है लेकिन वो उस घर में रह गया है, सो शी हैज टू गेट दैट ऑल्सो, सो आई डोंट नो हाउ वी लीव टुमारो। जब इतना सारा लगेज है तो बाइक पे कैसे आएगा, बाइक पे निकल पाएंगे भी निकल पाएंगे वो तो कल ही देखेंगे, जब पहले सब सामान हम लोग एलोकेट करेंगे अच्छे से और देखेंगे पैकेज पे फिट हो रहा है कि अगर नहीं फिट होगा तो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, फिट हो गया तो बाइक में जाएंगे, जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आई लव यू फ्रेंड्स। तेरा ब्लॉग जाएगा तो 9 बजे इसका ब्लॉग देखो और फिर 9:30 बजे मेरा ब्लॉग देखो, शानिस शेषा ब्लॉग्स और अपने अपना तो पता ही है। आईडी जमेगा, बाय बाय।